चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग पर भारत ही नहीं पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसरो का ये तीसरा ल्यूनर मिशन है। भारत चंद्रमा के साउथ पोल में अपना यान उतारने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। जब इसरो ये इतिहास रच रहा होगा उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूसरे मिशन पर होंगे। जी हाँ, पीएम मोदी 22 अगस्त को दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। यहाँ पीएम मोदी 23 अगस्त को ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में कई मुद्दों पर भारत का फोकस होने वाला है जिसमें आर्थिक और सुरक्षा हित ही सर्वोपरि होंगे। अफ्रीका का दौरा खत्म कर पीएम मोदी मिस्र के लिए रवाना हो जाएंगे 23 अगस्त को। जब भारत का चंद्रयान 3 चांद पर इतिहास रच रहा होगा उस वक्त पीएम मोदी भले ही दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर होंगे लेकिन जाहिर है उनका दिल इस मिशन पर लगा रहेगा। इसरो ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च किया था। इसके बाद 5 अगस्त को चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में प्रवेश किया था। 14 जुलाई को लॉन्चिंग वाले दिन पीएम मोदी भारत में नहीं थे। वो 13 जुलाई को 2 दिवसीय दौरे पर फ्रांस रवाना हो गए थे। पीएम मोदी ने 14 जुलाई को फ्रांस की बेस्टिल डे परेड में हिस्सा लिया था। गौरतलब है कि चंद्रयान 2 मिशन के दौरान ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए 6 सितंबर 2019 को पीएम मोदी बेंगलुरु में इसरो के मुख्यालय पहुंचे थे लेकिन 7 सितंबर को चंद्रयान 2 के आखिरी पलों में इसरो का लैंडर विक्रम से संपर्क टूट गया था और ये मिशन नाकाम हो गया था। इसके बाद पीएम मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए उनका हौसला बढ़ाया था। तब ये तस्वीरें काफी वायरल हुई थी। टाइम्स ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।